आज लिखी तो भाई जय भवानी जय शिवाजी, इतना ज़बरदस्त मूवी भाई साहब, तानाजी को आप भूल ही जाओगे। सूबेदार मूवी जो है आ चुकी है, इसके ट्रेलर पे हमने बात किया था कि किस प्रकार से इतिहास को सही तरह से रखने का प्रयास जो है दीपपाल नागरकर जी के द्वारा किया जा रहा है, जो कि उन्होंने शिवराज अष्टक के अपने पूरे सीरीज में किया है। केवल बजट की ही कुछ कमी होने के कारण जो है पैन इंडिया तौर पर यह रिलीज़ नहीं होती, वरना यह जो है कई सारे रिकॉर्ड को अभी तक उखाड़ के फेंक चुकी होती। कोई गदर नहीं, कोई RRR नहीं, कोई बाहुबली नहीं, ये सबको जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े अकेले ही उखाड़ के फेंक सकते हैं। लेकिन वही बात है कि बजट की कमी के कारण हिंदी डब में रिलीज़ नहीं हो पाता। मुझे मराठी बिल्कुल भी नहीं आती, फिर भी जो है आप सोचिए, आपको मराठी नहीं आती फिर भी आप इंग्लिश सबटाइटल के साथ मूवी देख रहे हैं। कितने शर्म की बात है कि आपको अपने स्वराज्य की भाषा नहीं आती और आप वैदेशिक भाषा के सबटाइटल भी यूज़ करते हैं मूवी देखते हैं। कितने शर्म की बात है, इसी को चेंज करना है, हम इसी को बदलाव लाना है। तो सूबेदार मूवी जो है इतना ज़बरदस्त है भाई साहब, तानाजी को आप भूल जाओगे। तानाजी में क्या था, सेकुलरिज्म के नाम पर जो है आपको जो है ठीक ठाक देशभक्ति परोस दी गई थी। मतलब यह बात है कि आपको जो है अच्छा खासा इतिहास जो है पूरी तरह से नहीं दिखाया गया था, बहुत सारी चीज़ों को जो है उसमें मिलावट करके दिखाया गया। सब चीज़ थी, आप कनेक्ट भी होते थे मूवी के, तानाजी मूवी से आप कनेक्ट भी होते हैं, आप इतिहास में खुश भी होते हैं, सॉन्ग भी सब चीज़ अच्छा था। लेकिन वो जो एकदम से कनेक्शन वाली फीलिंग थी ना, जो रोंगटे खड़े करने वाली फीलिंग थी कि ये तो मेरे योद्धा, ये तो मेरे, मैं इन्हें जानता हूँ, ये तो मेरे घर के योद्धा, इस टाइप की जो फीलिंग होती है ना वो उसमें नहीं आ पा रही थी, जो कि इसमें आती है कि आपको जो मुगलों के अत्याचार दिखाए जाते हैं कि किस प्रकार से हमारी हमारी बहन बेटियों को लोग गुलाम बना के किस प्रकार से उनके जो है चरित्र का हनन करते थे, वो लोग किस प्रकार से उन्हें बाजारों में बेचा जाता था, उनकी नीलामियाँ की जाती थी। सोचो ऐसे इतिहास को जो है तानाजी में बिल्कुल छुपा दिया जाता है। उसमें एक अजय देवगन डायलॉग था तानाजी में कि औरंगजेब काशी विश्वनाथ तोड़ता और उदय भांजा मराठों को तोड़ता है, तो भाई औरंगजेब विश्वनाथ तोड़ता है, उसमें कुछ सीन तो दिखाते हैं आप। तो इसमें जो दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है मुगलों के और आदिलशाही सल्तनत के किस प्रकार से जो है सनातन धर्म के जो बहन बेटी है, सनातन धर्म के जो मानने वाले, उन पर किस प्रकार से अत्याचार किया जाता है, उनके हक को किस प्रकार से, उनके अधिकारों को किस प्रकार से हनन किया जाता है, उनके उन पर किस प्रकार से अत्याचार किया जाता है, जानवरों से बर्तन उनके साथ व्यवहार किया जाता है, इस प्रकार से जो है उनके अत्याचारों को इसमें दिखाया जाता है। दीपपाल नागरकर जी के शिवराज अष्टक सीरीज में जो है ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवी कहा जा सकता है, क्योंकि पावन खेड़े ने जो परफॉर्मेंस दिया था उससे ज़्यादा ये कर सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है। और मराठों के जो सॉन्ग्स होते हैं, मराठी में जो गाने होते हैं, जो मराठी में जो डायलॉग होते हैं ना, नेचुरल जो निकलते हैं ना, तो लगता है कि सच में हम कोई छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठों की फिल्म देख रहे हैं, क्योंकि वो जो नेचुरल टच होता है वो आपको ओरिजिनल भाषा में देखने को मिलेगा। आपको जो डबिंग जो है उसको मिलावट कर देता है, उसको जैसे कि कहा जाता है कि असली संस्कृत वो असली संस्कृत में पढ़ो, जो वेद लिखे गए उसको उसी भाषा में पढ़ो, आप उसका अनुवाद पढ़ोगे तो आप उसका 90% तो ऐसे ही खो दोगे, क्योंकि अनुवाद सही नहीं होता। इसी प्रकार से ओरिजिनल मराठी में आपको समझ में आया ना है, लेकिन जो फीलिंग है अगर आप जानते हैं कि मेरे मावड़े हैं, ये मेरे छत्रपति हैं, तो आप उनसे आराम से आसानी से ही कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप में अंदर वो जो स्वराज्य भक्ति है, आपके अंदर वो स्वराज्य के प्रति वो प्रेम है, वो आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा, आपको गूज बम्स आसानी से आ जाएंगे। और दीपपाल नागरकर को देखते हुए लगता है कि उनके लिए तो सब आसान ही है, क्योंकि जी महाराज को दिखाया, छत्रपति शिवाजी महाराज के इंटरेस्ट सीन्स को दिखाया, फिर उनके डायलॉग्स को दिखाया, या तानाजी मालोसरी के बिल्डअप को दिखाया कि कैसे सूबेदार बनते हैं, किस प्रकार से वो छत्रपति और स्वराज्य के प्रति अपना जो है देश प्रेम भक्ति रखते हैं, इस प्रकार से जो दिखाते हैं वो जो है नेचुरल टच दे के एकदम वो जो है आपके हृदय को जीत लेता है एकदम। और जैसा कि मैंने अपने ट्रेलर रिव्यू में कहा था कि बिल्कुल ही इतिहास को सच्ची तरह से रखने वाले दीपपाल नागरकर जी हैं, क्योंकि उन्होंने जो है शपथ वाला जो सीन है कि तानाजी जो है पान का बेड़ा उठा के कहते हैं कि सबसे पहले जो है कोंढाणा का लगन होगा, उसके बाद मेरे रायबर का लगन होगा, ये जो डायलॉग्स है आपके गूस बम्स देने वाले डायलॉग्स है, इंटरवल के साथ ही आपको जो है डायलॉग सुनने को मिलता है और आपके गूस बम्स आ जाएंगे, आपके एक एक रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो सोचिए किस प्रकार से एकदम हृदय प्रेम को रखते हुए इस फिल्म को बनाया गया है, जहां अंतिम सीन में भी जो है असली इतिहास को दिखाया गया है कि तानाजी किस प्रकार से जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, जो आप सॉन्ग सुनेंगे वहां पे, जो आप जो है लड़ाई के सीन्स को देखेंगे, आप इमोशनल को फील कर पाएंगे ना भाई साहब, आंख से आंसू आ जाएंगे, आपके गूस बम्स एकदम रंगते खड़े हो जाएंगे। साथ साथ तानाजी के जो भाई होते हैं सूर्या जी, जब वो रस्सी का जो डोर होता है उसको काट देते हैं, उसके पश्चात जो मराठों में जो जो क्षमता देखने को मिलता है, जो अत्यंत जो है अतुलित बल देखने को मिलता है, जो अनंत शक्ति देखने को मिलती है, वो अलग ही लेवल की होती है। क्षमा चाहूंगा, मैं यहाँ गदर टू की बात करूंगा, लेकिन मैं गदर टू में एक भी सीन नहीं पाया जहाँ सनातन के बारे में हर हर महादेव जय श्री राम वाहे गुरु कुछ नारा था। लेकिन जब आप ये नारे सुनते हो कि हर हर महादेव, ये सब सुनते हो तो भाई साहब लगता है कि कोई अपनी मूवी देख रहा है, कोई अपनी बारे में फिल्म देख रहा है, कोई छत्रपति शिवाजी महाराज की फिल्म देख रहा है, क्योंकि इसके बिना जो है बिल्कुल ही ये जो है अधूरा है। इसके बिना तो आप जो है मराठों की कल्पना नहीं कर सकते कि मराठे जो है इस जय घोष के बिना जो है युद्ध कैसे कर रहे हैं। तो यही जो है पूरी तरह से जो है हमें संतुष्ट कर देता है और हम देखते हैं अपने मराठों के सौर गाथा को, छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और कूटनीति और रणनीति को, तो हम जो प्रसन्न हो जाते हैं कि किस प्रकार से जो है सनातन के बारे में जो कोई तो काम कर रहा है। केवल बजट की कमी है, बाकी दीपपाल नागरकर जी अपना पूरा दे रहे हैं। हम इस फिल्म को आप सभी को सजेस्ट करेंगे, जरूर देखें ड्रीम गर्ल 2 और OMG 2 जैसे बेकार जो सनात को खराब करने वाले
वाले फिल्में हैं वो तो बन ही रहे हैं, लेकिन आप कुछ अच्छे सनातन को समर्थन करने वाले फिल्मों को भी देखना चाहिए। सच में भाई बहुत बुरा लगता है कि केवल बजट की कमी के कारण ही जो है हमें पैन इंडिया लेवल पर मूवी देखने को नहीं मिलती, अन्यथा जो है बहुत ज़्यादा कमाई करती। हृदय से कहते हैं हम, तो आपके बताएगा जय श्री राम, हर हर महादेव।